गाइस देखिए माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं Vivo Y17s फोन में एक्सटेंडर रैम गाइस कैसे बढ़ाएं। गाइस अगर आप अपने फोन में एक्सटेंडर रैम को गाइस बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप बढ़ा नहीं पाते हैं यानी कि एक्सटेंडर रैम, जिससे कि अभी जो फोन आ रहे हैं ठीक है उसमें आपको एक्स्ट्रा यानी कि एक्सटेंडर गाइस रैम मिलता, जैसे 8 GB रैम है आपको प्लस में 6 या फिर 4 ठीक है, या फिर 12 GB रैम है प्लस में 8 या फिर 6 आपको मिलता है ठीक है। तो जो आपके फोन में गाइस मिलता है उसको गाइस आप यूज गाइस कर लेते हैं, बाकी जो स्टैंडर्ड यानी कि जो एक्स्ट्रा में गाइस मिलता है उसको अगर आप बढ़ा के यूज गाइस नहीं कर पाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल सेटिंग गाइस करके बता रहा हूं अपने फोन में स्टैंडर्ड रैम गाइस कैसे बढ़ा के कैसे यूज गाइस कर सकते हैं। साइड में देखिए फोन मिलेगा ठीक है, आपको पहले सेटिंग गाइस ओपन कर लेना। फोन की सेटिंग गाइस ओपन करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करके जाना है, एक ऑप्शन आपको मिलेगा रैम एंड स्टोरेज स्पेस ठीक है, इस पर गाइस क्लिक कर लेना। इस पर गाइस क्लिक करेंगे आपको सिस्टम एस ट्रेस वीडियो डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इमेज ऑडियो गेम्स सभी आप चेक कर सकते हैं क्या चीज कितना अपने फोन में आप यूज गाइस करते हैं। आपको यहाँ पर रैम वाले ऑप्शन में गाइस क्लिक कर लेना ठीक है। हमारे फोन में 8+8 GB रैम है ठीक है, यानी कि 8 GB तो है, अगर हम इसको जो स्टैंडर्ड में गाइस रैम मिलता है उसको इनेबल कर देंगे तो हमारे फोन में 16 GB रैम हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ऑलरेडी गाइस यहाँ पे इनेबल भी गाइस करके रखा, क्यों अगर आप जब इसको डिसेबल भी गाइस करेंगे यहाँ पे रिस्टार्ट न्यू का एक ऑप्शन आ जाएगा, इनेबल भी गाइस करेंगे तभी गाइस रिस्टार्ट न्यू का ऑप्शन आएगा। इससे क्या होता है आपका फोन जो कि ऑटोमेटिक रिस्टार्ट यानी कि फोन गाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका फोन गाइस यहाँ पे ऑन हो जाएगा ठीक है, रिस्टार्ट होगा। तो इसमें से कोई डिलीट कोई भी चीज बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है, चाहे आप इनेबल गाइस करेंगे तभी आपके फोन यहाँ पे रिस्टार्ट होगा, अगर आप इसको डिसेबल भी गाइस करेंगे तभी रिस्टार्ट होगा ठीक है। तो जब आपका फोन रिस्टार्ट गाइस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक गाइस ये जो आपको एक्स्ट्रा में गाइस रैम मिलता है इस सेटिंग ऑटोमेटिक यहाँ पे इनेबल जैसे हो जाएगा, जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारे फोन में ठीक है। और जो आपको एक्स्ट्रा में गाइस रैम मिलता होगा यहाँ पे बिल्कुल गाइस यूज होना स्टार्ट गाइस हो जाएगा। तो अगर आप अपने फोन में स्टैंडर्ड रैम को गाइस बढ़ा के यूज गाइस करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको सेटिंग बताया सेम बिल्कुल ऐसे सेटिंग गाइस करके अपने फोन में स्टैंडर्ड रैम को गाइस बढ़ा के यूज गाइस बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ।